दोस्तों थोड़ी सी हंसी की बौछार हो जाए। मुझे कोरोना नहीं होगा और मैं निश्चिंत होकर चैन से जीऊंगा। ये बिल्कुल शादी कर ली, अब मैं आनंद पूर्वक जीऊंगा, जैसी ही एक दंत कथा है। तुम कितने बजे सोती हो? किताब उठा लूं तो रात 9 बजे और मोबाइल उठा लूं तो आधी रात 2 बजे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कोरोना कीटाणु हर साल मार्च में बोर्ड का एग्जाम देने आता है, होली खेलने आता है, या इनकम टैक्स जमा करने आता है, या कि ईयर एंड का टारगेट पूरा करने आता है। अरे भाई, हमेशा मार्च में क्यों आता है रे? खाना बनाना सीख ले थोड़ा, लड़की को खाना बनाना भी आना चाहिए। लेकिन क्यों दादी, लड़की को ही क्यों? अरे कभी पति घर पर नहीं हुआ तो क्या तू भूखे पेट सोएगी लड़की? सोच नहीं। सुनो तुम, अगर कोई दूसरी मिल गई है तो स्पष्ट बोलो। स्पष्ट। एक कुंठित पति के मुख से। लगता है शायद इस बार फिर गर्मियों की छुट्टियों का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ना ये मायके जाएंगी और ना वो मायके आएगी। कल 7 बजे पड़ोस की एक भाभी घर आई, मैंने दरवाजा खोला। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। 7:30 बजे वो दोबारा आई। अरे रे रे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगी। मुझे बात समझ नहीं आई, मैंने दरवाजा फिर बंद कर लिया। 8 बजे वो फिर आई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी कल। तब मैंने पूछा, रुको भाभी, ये चक्कर क्या है? 3 बार आई हो और हर बार बोलती हो बाद में आऊंगी। जी, जब मैं आती हूँ तो आपके हाथ में ये चम्मच देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप खाना बना रहे हैं, तो मैं बाद में आ जाऊंगी। रे बावली भाभी, ये चम्मच तो हम साकल में लगाते हैं। ये तुम क्या करते हो, जरा सी चीज, जरा सा काम, सामने की चीज तुम लोगों को नहीं दिखती है। बिल्कुल सामने रखी है लेकिन नहीं दिखेगी। नहीं दिख रही है, चीनी कहाँ है? तुम मर्दों को तो कोई काम कह दो तो बस पहाड़ टूट पड़ता है। बिल्कुल सामने रखी होगी, नजर नहीं आ रही है। अरे वो बर्तनों वाली अलमारी खोलो, उसके नीचे मिर्च मसाले वाले खानों में जो च्यवनप्राश का डिब्बा रखा है, जिसके ऊपर हल्दी लिखा है, उसी में रखी है चीनी। कल सैलून वाले की दुकान पर एक स्लोगन पढ़ा, हम दिल का बोझ तो नहीं पर सिर का बोझ जरूर हल्का कर सकते हैं। लाइट की दुकान वाले ने बोर्ड के नीचे लिखवाया, आपके दिमाग की बत्ती भले ही जले या ना जले परंतु हमारा बल्ब जरूर जलेगा। चाय के होटल वाले ने काउंटर पर लिखवाया, मैं भले ही साधारण हूँ पर चाय स्पेशल बनाता हूँ। एक रेस्टोरेंट ने सबसे अलग स्लोगन लिखवाया, यहाँ घर जैसा खाना नहीं मिलता, आप निश्चिंत होकर अंदर पधारें। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर स्लोगन पढ़ा तो भाव विभोर हो गए हम, अगर आपका कोई फैन नहीं है तो यहाँ से ले जाइए। गोल गप्पे के ठेले पर एक स्लोगन था, गोल गप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो ना हो, मुंह बड़ा रखें और पूरा खोलें। फल भंडार वाले ने तो स्लोगन लिखने की हद कर दी, आप तो बस कर्म करिए, फल हम देंगे। घड़ी वाले ने गजब स्लोगन लिखा, भागते हुए समय को बस में रखें, चाहे दीवार पर टांगे चाहे हाथ पर बांधें। ज्योतिषी ने बोर्ड पर स्लोगन लिखवाया, आइए मात्र 100 रुपए में अपने जिंदगी के आने वाले एपिसोड देखिए। बालों की तेल की एक कंपनी ने हर प्रोडक्ट पर स्लोगन लिखा, भगवान ही नहीं हम भी बाल बाल बचाते हैं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।